मैथमेटिक्स इज द डोर एंड द की टू द साइंसेस बाय रॉबर्ट बेकन। रॉबर्ट बेकन ये बात करते हैं कि मैथमेटिक्स मैथ का सब्जेक्ट जो है ना सिर्फ दरवाजा है जो साइंस की तरफ खुलता है बल्कि उस दरवाजे की चाबी है। तो कितनी अच्छी बात है कि मैथ अगर आपको आती है, मैथ का सब्जेक्ट अगर आप उसमें अच्छे हैं तो बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट है जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इसके अलावा भी साइंस के सब्जेक्ट है लेकिन मैट्रिक के लेवल तक यही साइंस के सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो जितने ये वाले सब्जेक्ट है आपके लिए आसान हो जाएंगे। जितने ज्यादा मैथ में आप अच्छे होंगे, जितने ज्यादा मैथ की आपको बेसिक्स जो है वो आएंगी, उतने ही ज्यादा आपको साइंस के जो सब्जेक्ट है आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करें कि मैथ में की बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें हम मैथ की जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर आप बात करेंगे, मैथ के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनकी वीडियो का एक सिलसिला जारी है जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऑपरेशन आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऑपरेशन जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज का जो टॉपिक है आप जानते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, ठीक है। ऑपरेशन से मुराद है कि रैशनल नंबर के ऊपर जो जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे लेकिन फिर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है और साथ आपको क्लियर भी कर देता हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू Not equal to zero is called the rational number। ये उनकी आगे examples हैं। अब ये definition को मैं आपको समझाता हूं कि number, कोई भी एक number that can be expressed in the form of p over q, यानी उसको p over q की form में express किया जा सकता हो, लिखा जा सकता हो। p over q से मुराद ही है कि फ्रैक्शन में लिखा जा सकता हो। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर उस नंबर को लिख सकते हैं। वेयर, ये पहली बात है, यानी रैशनल नंबर के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। दूसरे नंबर पे पी एंड क्यू, यानी कि जो आपका नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, आर इंटीजर्स, उनका इंटीजर होना लाजमी है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं इसकी मैंने लेदर से डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको बाद में क्लियर करता हूं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। इंटीजर तो हो लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो जरूर हो, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इस कॉल्ड द रैशनल नंबर, इनको रैशनल नंबर कहा जाता है। दो बातें दोबारा बता देता हूं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो लेकिन उसमें जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/2, ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन पूरी है, पी और क्यू की फॉर्म में भी है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो भी नहीं है। 4/7, -2/5 और 1/6, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर की, आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब बात चूंकि जिक्र आया इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स का आपको बता देता हूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने इसकी लिखी हुई है। इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। पहली बात, therefore the number 10, 0, -25 and 148 are all integers, ये सारे integers कहलाएंगे। दोबारा definition को देखते हैं, an integer is a whole number, यहाँ पे whole number का जिक्र आया, whole number का थोड़ा सा मैं idea दे देता हूँ, उम्मीद है कि इसको आप इस level पे काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन natural number और whole number के बारे में आप जानते हैं, natural number आपको पता है one से start होते हैं और होल नंबर जो है आपको वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर की ये डेफिनेशन है कि वो जीरो से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड आगे तक जाएंगे, दैट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो इंटीजर है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं या जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो के फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरह जो आपके पास इनकी एग्जाम्पल बनेगी, 10 है, 0 है, -25 है एंड 148, ये सारे जो है इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। एक बात काबिले गौर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स की बात की है तो इंटीजर में यहाँ पे 0 भी आ रहा है कि 0 भी इंटीजर्स है, ठीक है। तो साथ उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि 0 जो है ना रैशनल नंबर में q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, इंटीजर जरूर हो लेकिन 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह रैशनल नंबर क्या होते हैं,
ठीक है, और उसमें फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसके साथ ही मैंने होल नंबर का भी आपको आइडिया दे दिया कि होल नंबर किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। इसको शुरू करने से पहले आपको इसका रैशनल नंबर का और इंटीजर का आइडिया होना जरूरी है, तब इसके बाद जो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा है उसमें ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर के ऊपर हम अभी बात करते हैं। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में जो सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में जो पहली कंडीशन है वो कंडीशन ये है, इफ पी ओवर एस एंड क्यू ओवर एस आर टू रैशनल नंबर। आपके पास कोई से भी दो रैशनल नंबर है जिसमें एक पी ओवर एस है एक क्यू ओवर एस है विद द सेम डिनोमिनेटर। इसमें जो खास बात यह है कि डिनोमिनेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, देन वी शैल एड देम एज गिवन बिलो। तो अगर इनको एड करना चाह रहे हैं, इन दो रैशनल नंबर को एड करना चाह रहे हैं, इसमें खास बात यह है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल है पी ओवर एस प्लस क्यू ओवर एस। इन दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है, जैसे कि यहां पे सेम है एस और एस है, तो हम लाइन लगाएंगे फ्रैक्शन की और उसके नीचे डिनोमिनेटर को एक दफा लिख लेंगे या एस को एक दफा लिख लेंगे और ऊपर जो नोमिनेटर है इसको पी प्लस क्यू लिख लेंगे। इसमें डिनोमिनेटर को आपने एक दफा लिखना है और पी प्लस क्यू कर देना है। पी प्लस क्यू की जगह कोई नंबर है तो नंबर्स को भी लिखा जा सकता है। इस बात को हम एक दो एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे, फिर उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी हुई है माइनस वन ओवर सेवन प्लस टू ओवर सेवन प्लस फोर ओवर सेवन, यहाँ पे तीन रैशनल नंबर है, तो अगर यहाँ पे तीन रैशनल नंबर भी आ जाए लेकिन उनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, तो तीनों का डिनोमिनेटर इधर भी सेवन है इधर भी सेवन है इधर भी सेवन है, तो सेवन को आपने एक दफा लिख लेना है। एक दफा लिखने के बाद फिर आपने ऊपर माइनस वन प्लस टू और प्लस फोर डिवाइडेड बाय प्लस सेवन आपके पास लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इनको जस्ट आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आप अपना आंसर लिख लेंगे। इसको ऐड करने से पहले एक रूल है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे इनको प्लस माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या प्लस 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 फोर में से टू प्लस करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, सिक्स ये माइनस वन है ये प्लस सिक्स है, तो माइनस वन प्लस सिक्स प्लस माइनस माइनस करेंगे सिक्स में से वन जो है वो माइनस होगा तो फाइव ओवर सेवन आपके पास आ जाएगा। साइन बढ़ेगा लगेगा, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस फाइव ओवर सेवन आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि प्लस प्लस माइनस माइनस तो साइन कौन सा लगाना है, या प्लस माइनस माइनस करना है या प्लस करना है, तो इसके लिए मैंने छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के जरिए भी मैं रूल आपको बता देता हूं और याद करने की इनको ट्रिक भी आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है, माइनस और माइनस है तो इसका आंसर भी प्लस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस है फिर भी माइनस आएगा। ये छोटा सा टेबल है, ये आपको हर बच्चे को मैथ के खासतौर पर स्टूडेंट को आपको आना चाहिए, फिंगर टिप के ऊपर याद होना चाहिए। अलजबरा के अंदर भी, इन क्वेश्चन के अंदर भी आप इसलिए कमजोर हैं या वीक हैं, आपकी मिस्टेक होती है क्योंकि आपको ये टेबल याद नहीं होता। इस टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है कि दो अगर एक जैसे साइन हो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, दो अगर एक जैसे साइन है तो आंसर आपका प्लस आएगा, ठीक है, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है। अगर दो साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, चाहे माइनस का पहले है चाहे प्लस का बाद में, तो उसका आंसर माइनस में आएगा। इस ट्रिक के बाद उम्मीद है कि ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने आपका प्लस 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 फोर प्लस टू सिक्स साइन आपने बड़े का लगाना, बड़े के साथ प्लस है, फिर माइनस वन प्लस सिक्स प्लस माइनस माइनस करेंगे तो सिक्स माइनस वन करेंगे फाइव आ जाएगा, नीचे आपका सेवन ही आएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। क्योंकि इसमें बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यह हमने माइनस है साइन आपने प्लस का लगा दिया, तो प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस 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 करना है, सिक्स में से वन माइनस करेंगे फाइव आएगा, साइन आपने बड़े का लगाना है, बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दे, नीचे आपके सेवन है, 5 प्लस 5 और 7 आ जाएगा। इसकी अगर कटिंग होती है तो कर दें, वरना इसको यही इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, 11 ओवर 15 प्लस 8 ओवर 15 प्लस इनटू ये माइनस 14 ओवर 15, ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है क्योंकि दो साइन है इसलिए ये ब्रैकेट आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 15 15 15 डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने एक दफा नीचे 15 लिख दिया, ऊपर लिखेंगे 11 प्लस 8 और प्लस माइनस जो है 14, ऐसे कैसे लिखा रहने दें, इधर भी प्लस है जैसे कि जानते हैं जहां कोई भी साइन नहीं होता वहां प्लस का साइन होता है, प्लस 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 11 प्लस 8 करेंगे तो 19 आ जाएगा, बड़े का साइन लगाएंगे, बड़े के साथ प्लस है तो इधर आप प्लस लगा दें।
ठीक है, उसके बाद है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे 19 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5, साइन बढ़ेगा लगेगा, बड़े के साथ प्लस है तो आप इधर प्लस लगा दें, ठीक है 5 और 15, अब ये देखिए इसकी कटिंग होती है 5 वन सर 5, 5 थ्री सर 15, तो आपका जो आंसर आएगा 1/3 आएगा। तो ये दो एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया है कि एडिशन ऑफ जो रैशनल नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, चाहे वो दो टर्म हो, चाहे वो तीन टर्म हो, चाहे वो चार टर्म हो, चाहे वो पांच टर्म हो, जितने भी टर्म हो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपने इस मेथड से करना है, ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर है जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसका जो ठीक आएगा। और साथ ये जो टेबल मैंने आपको समझाया, ये आप जब मैथ शुरू करेंगे खासतौर पे 6 से लेके ऑनवर्ड ये टेबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये चीज आपको आनी चाहिए कि प्लस 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 माइनस माइनस, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल थोड़े डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसके जो रूल है वो डिफरेंट है। तो इसी के साथ उम्मीद है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी हम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 इसकी इफ P over Q and R over S are any two rational number, यानी अब आपके पास दो rational number हैं P over Q and R over S, two rational number where Q and S not equal to zero, जिसमें Q over S zero के बराबर नहीं होना चाहिए, whose denominator are different, ये बात notable है कि जिनके denominator different हो, यहाँ पे आपको denominator different नजर आ रहे हैं, इसके पहले हिस्से में बात की है same denominator की, आप पे different denominator, then we add then by the following formula, ये इस formula से या इस method से अब हम इनको add करेंगे। formula क्या है? और यही जो method है, यही जो formula है बच्चों के लिए मसला करता है, जिसमें denominator जो है वो different अंदाज में दिए होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनको LCM लेके solve करना या दूसरे method से solve करना बच्चों के लिए मसला होता है। तो इसको भी आप दो examples के जरिए solve करेंगे, उम्मीद है कि with different denominator जो है आपको rational number add करना आ जाएंगे। तो इसका पार्ट वन है -6/5 + 7/12, यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 और 12 जो है दो अलग अलग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 12 है, इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको उम्मीद आता होगा, दूसरे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे एलसीएम लेना सिखाया भी हुआ है, यहाँ पे तीन नंबर है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो नंबर है तो 12 5 60 60 इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे ये नजर भी आ रहा है Q और S को इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर आपके पास वेरिएबल है इस तरह कुछ ABC या LMN है इन, तो इनको आपने मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं, नंबर्स का आपने LCM लेना है। LCM लेने का मेथड जो है इस पार्ट में मैं काफी डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पे 12 5 60 हो जाएगा ठीक है, 60 हो गया, यहाँ पे जैसे कि Q को S से मल्टीप्लाई किया तो Q S आ गया, ये Q इस Q से कट गया, ये वाला जो S है इस P से मल्टीप्लाई होगा तो P S लिखा हुआ है, ये वाला S इस S से कट गया तो पीछे रह गया Q, ये वाला Q जो है इस R से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये मेथड से सॉल्व होगा, तो इसका LCM 60 आ जाएगा। 5 का टेबल 60 तक पढ़ेंगे ठीक है, क्योंकि 5 का टेबल जो है इस LCM जो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा हुआ है इस तक जरूर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 5 का टेबल अगर 60 तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 5 60, इस 12 को फिर आपने -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 12 × -6 अलग से लिखा हुआ है, प्लस 12 5 60, तो इस 5 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 मैंने लिखा हुआ है, तो 12 6 72 प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आपने डालना है, तो ये रूल जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट है और प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए डिफरेंट है। तो -72 आ गया, प्लस 7 5 35, तो -72 प्लस 35 आपके पास आ गया, 60 नीचे लिखा हुआ है, 60 वैसे का वैसे नीचे लिखा रहने दें, प्लस माइनस माइनस ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 72 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास 37 आ जाएगा, साइन बड़े का लगाना है, बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा, -37/60। इसकी अगर मजीद कटिंग होती हो तो कर दें, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी कटिंग नहीं होती और ना ही आपका जो नोमिनेटर है बड़ा है जिसको डिवाइड करके हम होल नंबर पे जवाब ले हैं, लेकिन आपको इसी तरह जो है वो आंसर लिखना पड़ेगा, -37/60। उम्मीद है कि दूसरी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बाद दूसरी एग्जाम्पल को करेंगे तो मजीद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं।
1 होल 1 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4. अब यहां पे तीन है रैशनल नंबर है और तीनों के डिनोमिनेटर जो डिफरेंट है, तो सबसे पहले इसका होल ब्रेक करें. 3 1 सा 3 प्लस 1 4 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4. यहां पे 3 2 4 लिखा हुआ है, मुख्तलिफ डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. 3 2 और 4 के एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेना क्लास 3 4 से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा. यहां पे मैंने उसका आपको लेके भी दिखाया है. 2 पे डिवाइड करेंगे या 3 नहीं डिवाइड होगा, वैसे के वैसे लगेंगे. 2 1 सा 2 2 2 सा 4. उसके बाद 3 पे किया, 3 1 सा 3 1 है, ऐसे के ऐसे ही 2 वैसे का वैसे आएगा. फिर 2 से करेंगे तो 1 और 1 और यहां पे भी 1 आ जाएगा. अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 सा 6 6 2 सा 12. तो यहां पे आपके पास 12 जो है एलसीएम आ चुका है. तो एलसीएम के तौर पे आप नीचे आप जो है 12 लिखेंगे, ठीक है. इसी तरह इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम भी 60 आएगा, इसका एलसीएम 12 आया. अब क्या करना है, इस 3 का टेबल 12 तक पढ़ना है. 3 4 सा 12 4 आया, इस 4 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है प्लस 2 6 आर 12, यानी 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा. इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 3 सा 12 3 आया, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है. 3 1 सा 3, यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है. 4 4 सा 16 प्लस 6 5 सा 30 प्लस 3 1 सा 3, नीचे आपके पास 12 भी आएगा. 6 प्लस 30 आपके पास आएगा 46, 46 प्लस 3 आपके पास आएगा 49, 49 प्लस का आएगा क्योंकि ये सारे प्लस के हैं, इसलिए मैंने जो है यहां पे प्लस का साइन डालना है तो डाल लें. सारे आपस में प्लस ही हो रहे हैं. 49 ओवर 12 इनकी कटिंग अभी नहीं हो रही क्योंकि एक टेबल इनके ऊपर नहीं जाता, तो 49 को आप अंदर रखें. 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 सा 48 तो एक आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा. इसको लिखने का तरीका है 4 होल 1 ओवर 12, ये इसका आंसर आएगा. इसको दोबारा 12 4 सा 48 प्लस 1 49 ओवर 12 ही आपका आंसर बनता है. तो ये दो एग्जांपल्स जो मैंने करवाई हैं आपको कि अब डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, इनको ऐड कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से भी आपको करके देता हूं, उम्मीद है कि वो मेथड भी आपको आसान लगेगा. मैं ज्यादातर वो मेथड भी अप्लाई करता हूं, ये मेथड भी आपको सिखा दिया. इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, हम उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे. ये मेथड कदरे मुझसे आसान लगता है, मैं तो ज्यादातर मेथड यही रिकमेंड करता हूं बच्चों को. ये कौन सा मेथड है, वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा हुआ है. 1 होल 1 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4. अब इसका होल ब्रेक करेंगे तो आपके पास 4 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 आपके पास आ जाएगा. 3 2 और 4 का जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, ठीक है. एलसीएम का 12 आ गया. एलसीएम लेने के बाद हम इस तरह करते हैं, सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देते हैं, यानी 12 कर देंगे. तो यहां पे 12 करने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 को नीचे भी 4 से कर दिया, ऊपर से 4 से कर दिया. 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा. 6 से नीचे भी डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें सॉरी, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें. 4 है, 4 को 12 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, डिनोमिनेटर से भी करें न्यूमिनेटर से भी कर देंगे. दोबारा ये स्टेप बता देता हूं कि 3 2 और 4 का एलसीएम आपके पास 12 आएगा, जो कि आपने फाइंड करना है. फाइंड करने के बाद सबके जो डिनोमिनेटर है आप 12 कर दें, ठीक है, सेम कर दें. तो 3 का डिनोमिनेटर 12 करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को फिर न्यूमिनेटर से भी करना है डिनोमिनेटर से भी करना है. 2 को 6 से करेंगे तो 6 से न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी करना है. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 12 बनाने के लिए, तो न्यूमिनेटर से भी करेंगे डिनोमिनेटर से भी करेंगे. अब आपका आएगा 4 4 सा 16 16 ओवर 12, 6 5 सा 30 30 ओवर 12, 3 1 सा 3 3 और 12. अब आप देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए. जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इससे पहले वाले जो ऑप्शन हमने ए ऑप्शन पढ़ी है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर को आप एक दफा लिखेंगे एलसीएम के तौर पे 12 और आपके पास 16 प्लस 30 प्लस 3 करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 49 ओवर 12 आ जाएगा. 49 ओवर 12 को मजीद सिंपलीफाई करेंगे 4 होल 1 ओवर 12. इस क्वेश्चन को मैं इतना इजी रिकमेंड क्यों करता हूं या बच्चों क्यों गाइड करता हूं, तो यहां पे बच्चों को मसला आता है. 3 4 सा 12, इस 4 को फिर इस 4 से जब मल्टीप्लाई करना होता है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये
4, 4 to 16, क्योंकि ज्यादा टीचर और खासतौर पे मैं भी क्लास में डायरेक्ट ये स्टेप कर देता हूँ कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 16 कैसे आया, 30 कैसे आया, 3 कैसे आया। या तो ये वाला स्टेप हम करें क्वेश्चन में ताकि बच्चों को पता चले 4, 4 to 16, 6, 5 to 5 ये वाला और 6 ये 2, 6 to 12 ये वाला 6 आया तो 6, 5 to 30, 3, 1, 4, 3 to 12, 3 ये वाला और 1 ये वाला 3, 1 to 3 ये स्टेप या तो कर दें ताकि बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि 9th 10th क्लास के बच्चे भी इवन हो रहे हैं। तो मैंने एक सर्च सुना था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को भी इस क्वेश्चन में एलसीएम लेने में मसला आ रहा है। ठीक है, तो या तो ये स्टेप कर दें या ये वाला भी आपके पास मौजूद है कि सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें। डिनोमिनेटर अगर सेम कर देंगे फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। आप दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड के जरिए क्वेश्चन को कर लें। दोनों ही मेथड से आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। इसी के साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फीडबैक में अपना जो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है और आपको किस हद तक इस टॉपिक की समझ आई है ताकि इसको मजीद अगर बेहतरी गुंजाइश है तो बेहतर किया जा सके। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के लिए भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, कंसीडर टू रैशनल नंबर पी ओवर एस माइनस क्यू ओवर एस विद द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि माइनस का साइन है, तो उसका अगर आपने डिफरेंस लेना है या उसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे? जैसे आपने एडिशन किया था, ऐड किया था रैशनल नंबर का विद सेम डिनोमिनेटर, इसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम डिनोमिनेटर है, एक दफा लिख लें और नोमिनेटर को आप माइनस कर दें पी माइनस क्यू। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। 8/9 माइनस 1/9 माइनस इंटू माइनस 4/9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 8/9 माइनस 1/9 प्लस 4/9, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को आप एक दफा लिख लेंगे, ऊपर लिखेंगे 8-1 प्लस 4, तो 8-1 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 7 में प्लस 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 9, 7 प्लस 4 करेंगे तो 11/9 आ जाएगा। 11/9 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 को अंदर रखेंगे, 9 1 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/2/9। तो अगर आपको एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर आपको समझ आ जानी चाहिए। इसमें कोई मसला नहीं, उसमें प्लस का साइन था, इसमें आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, बाकी जो सारा मेथड है वो बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर भी आपको समझ आ गई होगी जिस तरह एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है बिल्कुल सेम उसी तरह। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। कंडीशन आपके पास क्या है? कंसीडर टू रैशनल नंबर p ओवर q माइनस r ओवर s विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहां पे डिफरेंट है, तो उनका डिफरेंस जो है वो कैसे लेंगे p ओवर q माइनस r ओवर s का? उसके लिए ये फार्मूला है p ओवर q माइनस r ओवर s। ठीक है, q ओवर s का एलसीएम ले लेंगे या इनको अगर नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लें, तो क्यू एस ऊपर आएगा पी एस माइनस आर एस। इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर करता हूं। जिस तरह के एडिशन के क्वेश्चन थे इस तरह ये डिफरेंस के भी क्वेश्चन है। जैसा कि एग्जांपल आपके पास 5/2 माइनस 3/4 माइनस छोटी ब्रैकेट माइनस 1/8 और छोटी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप सबसे पहला काम ये करना है माइनस माइनस प्लस, आपके पास आएगा 5/2 माइनस 3/4 प्लस 1/8। इसके बाद आपने क्या करना है कि 2, 4 और 8 का आपने एलसीएम ले लेना है। इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ पे 2 रैशनल नंबर है, यहाँ पे 3 हो गए, 3 से ज्यादा भी हो जाए तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। 2, 4 और 8 का मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम इस तरीके से लेना है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, फिर 2 से क्या 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 से 2 1s are 2, 1 1 1 आ गया। इन तीनों 2s को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास 8 आ जाएगा। 8 ही वो नंबर है एलसीएम है के छोटा से छोटा नंबर है जिसपे सारे नंबर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। सॉरी, ये 8 वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन सब के इनका टेबल पढ़ेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 4s are 8, 4 2s are 8, 8 1s are 8। अब इसको एलसीएम के तौर पे नीचे लिख लिया मैंने, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 4s are 8, 4 आया, इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4,
फोर टू जार एट, टू आएगा इस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, एट वन जार एट, वन आया, वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा फाइव फोर जार ट्वेंटी, थ्री टू जार सिक्स, वन वन जार वन, तो ट्वेंटी माइनस सिक्स फोर्टीन प्लस वन डिवाइड बाई एट, तो 14 प्लस 1 15 ओवर 8 आ जाएगा, 15 ओवर 8 को 15 को अंदर रखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 वन जार 8, तो आपका रिमाइंडर जहां पे 7 आएगा, तो इसको आंसर में लिखेंगे 1 होल 7 ओवर 8, ठीक है। ये एक मेथड है, इसी क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड से सॉल्व किया है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे मसला आ रहा है, आपको बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, तो इस मेथड से भी कर लें, इस मेथड से उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। 5 ओवर 2 माइनस 3 बाई 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1 ओवर 8 और स्मॉल ब्रैकेट जो है साथ ही क्लोज, नेक्स्ट टाइम में माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लिया, अब 2 4 8 इनका एलसीएम लेंगे, जैसे कि मैंने लिया हुआ है एलसीएम आपके पास 8 आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है, तो सबके डिनोमिनेटर को 8 कर दें, ठीक है, सबसे आसान तरीका सबके डिनोमिनेटर को 8 करना है, 2 को 8 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करें और न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 8 हो जाएगा, नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 से कर रहे हैं तो 8 वन जार 8 और 1 वन जार 1, ऊपर ऊपर भी 1 से और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 से ना भी करें तो खैर है, लेकिन मैंने आपको एक एक डिटेल एक स्टेप क्योंकि समझाना है ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए, इसलिए भी मैंने साथ 1 लिख दी है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 5 4 जार 20 20 बाय 8, 3 2 जार 6 6 बाय 8 और 1 1 जार 1 1 ओवर 8, यहां पे देखेंगे 20 माइनस 6 प्लस 1 ये आ गया, सबके डिनोमिनेटर सेम है, वो पहले वाला मेथड अप्लाई करेंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आप 8 लिख दें, ऊपर आएगा 20 माइनस 6 प्लस 1 जो कि यहां पे आया हुआ है, 20 माइनस 6 प्लस 1 20 माइनस 6 प्लस 1 आया, ये कदर आसान है, यहां पे अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये 5 कहां से आ गया 4 कहां से आ गया, तो इस तरीके से उनको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, 20 माइनस 6 प्लस 1 करेंगे तो 15 बाय 8 आएगा, जैसे कि हमने सिंपलीफाई किया था, और 15 बाय 8 को सिंपलीफाई करेंगे तो 1 होल 7 ओवर 8 आपका आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके आज इस तरीके से हमने जो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर एंड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आज हमने समझा है, काफी डिटेल से मैंने आपको इस पे बात की है और इसमें एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया, ताकि अगर एलसीएम लेने में मसला आ रहा है तो वो भी आपका नेक्स्ट टाइम सॉल्व हो जाए, इसके बाद उम्मीद है कि एलसीएम का रैशनल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर उसमें आपको मसला नहीं होगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें शेयर कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।